लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम अपने कमोडिटी सीरीज़ का थर्ड चैप्टर कमोडिटी ऑप्शंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शंस के ऊपर ना हमारी डेडिकेटेड वीडियो है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके ऊपर हमारी डेडिकेटेड वीडियो है। टाइटल पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोज़ देखिएगा। ये है, यहाँ पर हम थ्योरी की बात करेंगे और हम थ्योरी पर समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली ऑप्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो राइट देता है टू बायर बट नॉट ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज, यानी कि हुएवर इज अ बायर ऑफ एन ऑप्शन विल गेट ए सर्टेन राइट। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो आपके पास राइट टू बाई है, अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो आपके पास राइट टू सेल है, बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सरसाइज करने का, आपका बाई चॉइस आप एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, इट गिव्स परचेजर द राइट टू बाई, मतलब कॉल ऑप्शन जिसने परचेज करके रखा है उसके पास राइट टू बाई है स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस, बेसिकली द एक्सरसाइज प्राइस, ऑन और बिफोर द फ्यूचर डेट और द एक्सपायरी डेट, ठीक है। पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर राइट टू सेल, ठीक है, राइट टू सेल। पुट ऑप्शन वालों को राइट टू सेल है, कॉल ऑप्शन वाले को राइट टू बाई है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑन ए सर्टेन फ्यूचर डेट, ये कॉमन है। पुट में राइट टू सेल है और कॉल में राइट टू बाई है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इस पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे जैसे लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। परचेजर पेज द सेलर, ये सबको पता है कि ऑप्शन जो बाई करता है वो पे करता है प्रीमियम और जो सेलर होता है उसको ऑप्शन प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो सेलर को प्रीमियम मिल रहा है, बायर ने प्रीमियम पे किया है, एकदम यहाँ पे क्लियर है। प्रीमियम क्या हो गया, बेसिकली कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन की प्राइस ऐसे दी हुई होती है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन 100 रुपये में मिल रहा है। 100 रुपये डजेंट मीन कि 100 रुपये में वो ऑप्शन मिल रहा है, 100 रुपये इंटू लॉट साइज होगा वो ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको वो प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है। और जो बायर है उसको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। अब ये एक टेबल समझ लीजिए, देखिए अगर लॉन्ग है यानी कि बाई कॉल बायर है, ठीक है, तो इट गिव्स राइट टू बाई। काउंटर पार्टी कौन रहेगा, कॉल बायर के अगेंस्ट काउंटर पार्टी रहेगा कॉल सेलर। इसके पास क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन टू सेल टू कॉल बायर। सेल साइड में ऑब्लिगेशन होता है, बाई साइड में ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। पुट बायर क्या हो गया, राइट टू सेल, यानी कि इसके पास राइट है सेल करने का, और पुट सेलर क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाई फ्रॉम द पुट बायर, ठीक है। जो इसका कॉल बायर साइड में रहेगा सेलर साइड में उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, राइट रहता है बायर के पास, सेलर के पास ऑब्लिगेशन रहता है। एंड ऑप्शन बायर हैज द फॉलोइंग चॉइसेस, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डेट, सेल एन ऑप्शन ऑन एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरी डेट। बेसिकली क्या होता है, अगर आप बाई करते हैं तो जब आपको अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है तो आप सेल ऑर्डर लगाते हैं। सो बेसिकली वही चीज़ हो गई कि सेल आपने ऑर्डर लगाया, और लेट द ऑप्शन एक्सपायर विदाउट बीइंग एक्सरसाइज ऑन एन एक्सपायरी डेट। तो अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन आपको नहीं लेना है, मतलब आप कुछ करना ही नहीं है, आपने देख लिया यार हो गया, जो प्रॉफिट आना है आगे या फिर जो लॉस होना है वो हो गया, आप कुछ नहीं करोगे तो ठीक है, आप एक्सपायर होने दोगे, और अगर वो इन द मनी रहा तो जो पैसा है वो आपको आ जाएगा, अगर आउट ऑफ द मनी रहा तो आपका ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको एक्सचेंज ऑटो एक्सपायर ऑफ कर देता है। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, बायर ऑफ एन ऑप्शन, बायर कौन होगा, बायर ऑफ एन ऑप्शन हु हैज अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक है। फॉर ओनिंग दिस राइट बायर पेज एन ऑप्शन प्रीमियम। सेलर कौन, राइटर कौन हुआ, राइटर एंड सेलर आर द सेम थिंग। राइटर ऑफ एन ऑप्शन रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम पेड बाय द बायर, बायर जो ऊपर बाई करने के लिए पे कर रहा है वो मिलता है राइटर को, ठीक है, या सेलर को, और इसके पास ऑब्लिगेशन होता है, इसको ऑब्लिगेशन मिलता है, ठीक है। अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक अमेरिकन ऑप्शन होता है, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है। इंडिया में चलता है यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन में पहले एक बार जान लेते हैं। अमेरिकन ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि ओनर ऑफ द ऑप्शन कैन exercise at any given date of time. However, यूरोपियन ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि वो एक्सपायरी पे ही एक्सरसाइज होगा, उसके पहले नहीं होगा। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, अमेरिकन ऑप्शन आप किसी भी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूरोपियन ऑप्शन आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ऑप्शन एक्सपायर कर सकते, मतलब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यूरोपियन ऑप्शन ही इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कमोडिटी ऑप्शन जो है ना, दो तरह के होते हैं, एक ऑप्शन ऑन कमोडिटीज, कमोडिटी डेरिवेटिव है बेसिकली, ऑप्शन ऑन सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, एंड एक होता है आपका ऑप्शन ऑन गुड्स, ठीक है। ऑप्शन ऑन कमोडिटी में एक चीज़ है यूनिक फीचर कि फ्यूचर का जो एक्सपायरी है उसके दो दिन पहले आपका ऑप्शन एट द मनी और एट द मनी नियर द मनी, मतलब एक एक्सरसाइज प्राइस ऊपर और एक एक्सरसाइज प्राइस नीचे वाले जो ऑप्शंस रहेंगे वो डिवॉल्व हो जाएंगे इन कमोडिटी फ्यूचर। तो कमोडिटी के ऑप्शंस ऐसे एक्सरसाइज होते हैं कि वो डिवॉल्व हो रहे हैं इन कमोडिटी फ्यूचर्स, और कमोडिटी फ्यूचर में जो डिवॉल्वमेंट हो रहा है, वहाँ डिवॉल्वमेंट होने के बाद कमोडिटी फ्यूचर का आप सौदा स्क्वायर ऑफ करते हैं। अनलाइक इक्विटी ऑप्शन, जहाँ पे आप इक्विटी ऑप्शन को ही डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, कमोडिटी में कमोडिटी ऑप्शंस डिवॉल्व होते हैं इन कमोडिटी फ्यूचर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, एक अंडरलाइंग डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है इन फ्यूचर। ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम, इट इज अ प्राइस विच एन ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर। लॉट साइज, लॉट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रीमियम आप देख रहे हैं ना, वो बेसिकली एक यूनिट का प्राइस है, आपको लेना है एक लॉट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर गोल्ड का ऑप्शन है तो वो 10 ग्राम का प्रीमियम आपको दिया हुआ है, उसको इंटू 100 करेंगे तो आपका ऑप्शन का प्राइस आएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 kg का है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्पॉट प्राइस क्या है, जो अंडरलाइंग एसेट का एक्चुअल स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा है वो हो गया स्पॉट प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है, जिस प्राइस का आपने ऑप्शन खरीदा है या बेचा है वो हो गया स्ट्राइक प्राइस। मान लीजिए गोल्ड 45,000 पे चल रहा है, आपने 44,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, ठीक है। तो 44,000 आपकी स्ट्राइक प्राइस है, आपने 46 का लिया तो 46,000 आपकी स्ट्राइक प्राइस है। इन द मनी, इन द मनी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए स्पॉट में प्राइस मान लीजिए 14,375 चल रहा है, मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी पीपीटी एक बना हुआ था, उसी से मैंने एक पोर्शन यहाँ पे दिखाया है। तो मान लीजिए स्पॉट चल रहा है 14,400, तो 14,400 के नीचे जितने भी रहेंगे कॉल साइड में वो हो गए आपके इन द मनी। 14,400 वाला हो गया एट द मनी, और 14,400 के बाहर वाले जितने हो गए आउट ऑफ द मनी, ये हो गए कॉल साइड में। और पुट साइड में क्या हो गया, पुट साइड में हो गए 14,400 वाले एट द मनी, 14,000 के नीचे वाले जितने हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और 14,000 के ऊपर वाले जो हो गए वो हो गए इन द मनी। यानी कि आप 14,700 किसी पुट ऑप्शन है तो बाजार उसके नीचे चल रहा है, यहाँ पे क्या है कॉल ऑप्शन, तो 14,400 कॉल ऑप्शन अगर आपके पास है तो बाजार उसके ऊपर चलेगा तो ही प्रॉफिट होगा आपको। 14,400 के नीचे है तो इन द मनी हो गया, और 14,400 के ऊपर है तो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आई होप क्लियर हो क्या रहेगा। बेसिकली यहाँ पे जो सम्स में लिखा हुआ आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव कैश फ्लो अगर है, मतलब अगर आप प्रॉफिट में हैं तो इन द मनी है, एट द मनी मतलब एट द एक्सपायरी प्राइस, एग्जैक्ट एट द एक्सपायरी प्राइस, और आउट ऑफ द मनी मतलब आप में नेगेटिव कैश फ्लो आने वाला है या फिर जीरो कैश फ्लो आने वाला है, वो नेगेटिव आपके लिए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, ऑप्शन की प्राइसिंग का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में डिटेल में डिस्कशन की हुई है, उसमें आपको देखना हो तो डिटेल में देखिएगा, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये होती है कि मान लीजिए आज ही एक अगर एक्सपायरी हो जाए तो ऑप्शन का क्या प्राइस होना चाहिए, वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। और उसके बाद टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होता है, जितना डिस्टेंस है आपके एक्सपायरी में उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा। इसका मैंने एग्जाम्पल चिप्स के पैकेट से दिखाया है कि अगर चिप्स का पैकेट है तो चिप्स का पैकेट जब तक बंद है तब तक तो देखिए वो काफ़ी बड़ा दिखता है, बट जैसे ही चिप्स का पैकेट खुल जाता है तो सारी हवा निकल जाती है, यानी कि टाइम वैल्यू निकल गया, चिप्स बच गया, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो हवा है वो धोखा है, ठीक है, और चिप्स जो है वो एक्चुअल उसकी वैल्यू है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, इन केस ऑप्शन इज एक्सरसाइज टुडे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, वो हो गया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू क्या हो गया, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होने के कारण जो प्रीमियम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। अब यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो मैं बताता हूँ। फॉर एन ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी, दैट इज एन अमाउंट एन ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग फॉर द प्रीमियम पेड इफ ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन इंस्टेंटली। मतलब अगर आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, उसका प्राइस जीरो होगा, अगर आउट ऑफ द मनी है तो जीरो होगा, इन द मनी है तो आपको इन द मनी का जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वो आपको आएगा और आप उसको एडजस्ट करेंगे विद द प्रीमियम पेड। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये में कुछ खरीदा है और उस ऑप्शन की वैल्यू अभी 110 चल रही होगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी आएगी 10। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी और इन द मनी ऑप्शंस को ही इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं उसकी वैल्यू सीधा जीरो हो जाती है। टाइम वैल्यू मैंने बताया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए ऑप्शन की प्रीमियम चल रही है 400 रुपये और इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये, तो 350 हो गई टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वो जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा ऑप्शन में। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग इन ए गिवन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मान लीजिए गोल्ड का ऑप्शन है, उसका ओपन इंटरेस्ट अभी चल रहा है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, 45,000 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। वो हो गया आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ओपन है मार्केट में टू ट्रेड। पे ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग ऑन ऑप्शन, शॉर्ट ऑन ऑप्शन। देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग दो तरीके से जा सकते हैं अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो। ऑप्शन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, दो, मैं एक आपको दूसरा टेबल दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप पुट बेच सकते हैं, मतलब आपका जो प्राइस चल रहा है उसका आपने पुट बेच दिया, तो वो पुट क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाया जा रहा है तो वो पुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो आपको प्रीमियम आना था वो आपका आ जाएगा। और कॉल आप बाई कर सकते हैं, मान लीजिए 45,000 पे गोल्ड चल रहा है, आपको लगता है कि गोल्ड यहाँ से आगे बढ़ने वाला है, तो या तो आप 45,000 का पुट सेल कर दीजिए, तो अगर गोल्ड 46 पे चला जाता है तो पुट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो वो जो भी मान लीजिए 300 रुपये 400 रुपये प्रीमियम आपको मिले तो पूरे आपको आ जाएंगे। और कॉल अगर आप बाई कर रहे हैं तो कॉल अगर आप बाई कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 45,000 पे चल रहा है, अगर आपने कॉल बाई कर लिया, मान लीजिए 300 रुपये में कॉल बाई कर लिया, गोल्ड का प्राइस चला गया 46,000, तो अब प्राइस क्या आएगा ऑप्शन का, ऑलमोस्ट रफली 1,000 रुपीज़ आएगा। 300 रुपये आपने प्रीमियम के लिए, 700 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया। वो हो गया बुलिश व्यू रखने पे। बियरिश व्यू रखने पे क्या होगा, मान लीजिए आपका व्यू है कि गोल्ड 45,000 चल रहा है, 44,000 जा सकता है, तो आप पुट खरीद लेते हैं 45,000 का, मान लीजिए 300 रुपये आपने प्रीमियम पे किया, कल गोल्ड चला गया 43,500, तो उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1,500 रुपीज़ हो गई। आपने प्रीमियम कितना पे किया था, 300 रुपीज़ प्रीमियम पे किया था, ठीक है। 300 रुपीज़ प्रीमियम किया तो उतना लेस कर दीजिए आप, तो आपको कितना रुपये आ गया, आपको आ गया 1,200 रुपीज़ प्रॉफिट। कॉल सेलर के हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉल सेलर के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए लगा कि आप प्राइस अब नीचे जाने वाला है, तो 45,000 का मान लीजिए कॉल ऑप्शन चल रहा है 500 रुपीज़, तो आपने क्या किया, कॉल बेच दिया। अगर 45,000 के ऊपर प्राइस आता है तो ही आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और एल्स वो जीरो पे ख़त्म होगा। अगर 44,900 पे भी बंद होता है तो आपकी कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वो जो 600 रुपये या 500 रुपये आपने कॉल सेल करके लिया वो पूरी आपको आ जाएगी। अगर वो डिटेल में समझना है तो आप मेरे ऑप्शन बेसिक की वीडियो देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने, बायर ऑफ एन ऑप्शन इज सेड टू बी लॉन्ग, ही शैल हैव राइट और नो ऑब्लिगेशन टू बाई इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। यानी कि अगर आप कॉल वाले हैं तो आपने कॉल बाई किया है, राइट, तो आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है टू बाई। एंड सेलिंग इन केस ऑफ पुट, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, या तो आप कॉल के बायर होंगे या पुट के सेलर होंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपके पास ऐसा है, और जिसमें आपके पास राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन है, एंड पोटेंशियल ऑफ द लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट यू हैव पेड फॉर बाइंग द ऑप्शन or profit would depend on the level of asset price at the time of expiry. ठीक है, शॉर्ट ऑन ऑप्शन क्या हो गया, जो हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका व्यू बियरिश है तो राइट, आपके पास राइट है टू सेल, ठीक है, और बाई एन अंडरलाइंग एसेट अगर आपने ऑप्शन को राइट किया है तो, ठीक है। आपके पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू बाई, उसके बाद प्रॉफिट क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड है वो आपका प्रॉफिट होता है, और लॉस आपका ज़्यादा हाई हो सकता है अगर आप सेलर हैं तो। तो सेलर के पास क्या, लॉस ज़्यादा होने का कैपेसिटी रहता है और चांसेस ज़्यादा रहता है उनके लॉस होने का। अब एक सम्स देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कमोडिटी गोल्ड स्ट्राइक प्राइस है 25,000 पर 10 ग्राम, प्रीमियम पेड 500 पर 10 ग्राम। तो अब एक्सपायरी डेट है 5 अक्टूबर, ठीक है, यूरोपियन ऑप्शन है, मतलब एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज होगा। अब एग्जाम नंबर्स ध्यान रखिएगा, 25,000 का ऑप्शन है, 500 रुपये प्रीमियम है और 26,000 रुपये एक्सपायरी प्राइस है, ठीक है। इम्पैक्ट, प्रीमियम इज पेड बाय द बायर अपफ्रंट एंड नॉन रिफंडेबल, मतलब बायर जो रहेगा 500 रुपये पे करेगा, सेलर को मिलेगा ये पैसा, ठीक है। अब कोई पुट वाला है तो पुट वाला क्या करेगा, पुट वाला भी बाई करेगा और नॉन रिफंडेबल रहेगा और सेलर को ये मिलेगा पैसा। एक्सरसाइज करना है ऑप्शन को, ठीक है, एक्सरसाइज करना है। अब जो बायर ऑफ कॉल ऑप्शन था उसने 500 रुपये प्रीमियम पे किया था, अब चला गया है गोल्ड का प्राइस 26,000, तो उससे प्राइस से ऊपर है, अब ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,000 रुपीज़ हो जाएगी। और सेलर को क्या है, उसके पास ऑब्लिगेशन है, उसका ऑब्लिगेशन है देने का, तो अब मार्केट प्राइस 26,000 आ गया। तो ये जो 500 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, 500 रुपये उसे प्रीमियम मिले थे और 1,000 रुपये अब उस ऑप्शन की वैल्यू हो चुकी है, तो 500 रुपये जो डिफरेंस है ये सेलर बायर को पे करेगा। पुट बायर में, अब जैसे पुट बायर ने 500 रुपये पे किया था, राइट, लेकिन अब वैल्यू क्या हो गई है, अब वैल्यू उसकी जीरो हो गई है क्योंकि बाजार अब ऊपर चला गया है और सेलर को क्या है, उसके पूरे पैसे उसको मिल गए। गेन लॉस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा गेन हमने बताया 500 रुपये पर 1000 रुपीज़ पर 10 ग्राम इसको मिलेगा, 500 रुपये इसने प्रीमियम पे किया है तो 500 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ। इसका लॉस कितना हुआ, 500 रुपये का इसका लॉस हो गया ऑप्शन सेलर का। यहाँ पे इसका लॉस कितना है, पुट बायर का 500 रुपये लॉस है क्योंकि प्राइस 25,000 के नीचे नहीं है, 25,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है, तो पुट बायर को 500 रुपये लॉस हो गया। और इसको पुट सेलर को गेन कितना हुआ, जो 500 रुपये प्रीमियम उसको मिला था चूँकि वैल्यू जीरो हो चुकी है तो उसको पूरा 500 रुपये आ गया। ये हो गया आपका गेन एंड लॉस। अब रिस्क रिवॉर्ड समझ लेते हैं। जो लॉन्ग कॉल ऑप्शन लेगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम होगा लिमिटेड टू द प्रीमियम, मतलब अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है तो 100 रुपये तक ही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। रिवॉर्ड कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, जितना ऊपर जाते जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस के उतना प्रॉफिट आपको होगा। मान लीजिए गोल्ड का आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन लिया और गोल्ड 45,000 चला गया तो पूरा 20,000 आपका प्रॉफिट होता है, माइनस प्रीमियम कर देंगे। शॉर्ट कॉल मैक्सिमम रिस्क कितना है, अनलिमिटेड है, प्रॉफिट कितना होगा, जितना प्रीमियम आपको मिला है उतना ही प्रॉफिट होगा। लॉन्ग पुट लिमिटेड टू प्रीमियम, यानी कि अगर आपने जो भी प्रीमियम लिया है, प्रीमियम पे किया है, वही आपका मैक्सिमम रिस्क है। और मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना होगा, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज, जहाँ तक आपका प्राइस चला गया है, ठीक है, अगर आप पुट बायर हैं तो जितना नीचे प्राइस जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, माइनस जो प्रीमियम आप पे कर देंगे। तो मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 20,000 चलाया था तो 5,000 रुपये प्रॉफिट, 300 रुपये 500 रुपये प्रीमियम आपने पे किया, वो लेस कर दिया, उतना आपका प्रॉफिट। शॉर्ट पुट को क्या होगा, शॉर्ट पुट में अगेन रिस्क अनलिमिटेड है और प्रॉफिट कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन रिस्क जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, वो नॉन लीनियर पे ऑफ करती हैं, वो कभी भी एक फिक्स अमाउंट आपको नहीं देती हैं, वो आपको वेरिएबल रिटर्न देती हैं। वो एक कर्व बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बट डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो सिंगल डायरेक्शन रहेगा, किसी एंगुलर पे रहेगा, ठीक है। अब पे ऑफ डायग्राम्स कुछ कुछ देख लेते हैं, ठीक है। पे ऑफ ए लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लिया था तो अगर आपका स्पॉट प्राइस के ऊपर प्राइस रहता है तो आपको प्रॉफिट आता है, नीचे रहता है तो आपको लॉस आता है। लॉन्ग कॉल का क्या रहेगा, मान लीजिए स्पॉट प्राइस एक पर्टिकुलर चल रहा है, आपने जितना भी आउट ऑफ द मनी आपने रख के रखा है, अगर उसमें प्राइस आपकी आउट ऑफ द मनी रहती है तो एक ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड सारा प्रीमियम आपका ज़ीरो होने वाला है। और जैसे ही आप एट द मनी रहेंगे और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट आता जाएगा। ये हो गया लॉन्ग पे ऑफ का वो चीज़। और आपको प्रीमियम कितना आना है तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम आपका इन द मनी वाला हो जाएगा। एट द मनी के पहले सब आउट ऑफ द मनी वो लॉस होगा और जितना एट द मनी के बाद आपका आएगा वो सब प्रॉफिट में आएगा। अब लॉन्ग पुट का अगेन जितना टुवर्ड्स आप इन द मनी जाएंगे उतना आपका पॉजिटिव रिटर्न आएगा और जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे आपका लॉस कम होते जाएगा, सॉरी लॉस बढ़ते जाएगा। हाउएवर लिमिटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे की लाइन है ना, ये यही सिग्नल कर रही है कि ये लॉस लिमिटेड है टू द ऑप्शन प्रीमियम पेड। अगेन यहाँ पे भी लॉस इज लिमिटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम पेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड डायरेक्शनल। यहाँ पे डायरेक्शन चूंकि इस तरफ है, इट कैन मैक्सिमम गो अप टू हियर, राइट। और वहाँ पे डायरेक्शन ओपन एंडेड था इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। हाउएवर सम्स वगैरह ऐसा नहीं आएगा, सम्स यही आएगा जो एक्सपायरी हुई इस प्राइस पे हुई, इतना प्रीमियम था तो प्रॉफिट कितना है, ये होता है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। देखिए ऑप्शन प्राइसिंग करने का दो तीन मॉडल्स होता है, ठीक है, लेकिन हर जगह मॉडल में कुछ चीज़ें फैक्टर की गई हैं, वो हम उसको ही हम बोलते हैं बेसिकली कि ऑप्शन प्राइसिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अब थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस डिड मार्केट पार्टिसिपेंट्स अराइव एट दीज वैल्यू ऑफ प्रीमियम, वेदर द पैरामीटर्स दैट अफेक्ट दीज वैल्यूज आर दे फिक्स्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी। ठीक है, इसमें सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ नहीं करते हैं, मार्केट प्राइसिंग का एक स्टैंडर्डाइज मॉडल है, ऑप्शन प्राइसिंग का स्टैंडर्डाइज मॉडल्स है जो कि एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं और उसी बेसिस पे प्राइसेस एक्चुअल निकल के आते हैं। हाउएवर मार्केट में परफेक्शन नहीं होने के कारण क्या होता है, बायर और सेलर में थोड़ा प्राइस डिफरेंस हो सकता है और वही मिस प्राइसिंग को कैप्चर करने को ही बेसिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस कभी भी एक्सचेंजेस या सेबी फिक्स नहीं करती है किसी भी कंडीशन में। प्राइस डिस्कवरी अपने आप होती है बाइंग सेलिंग मैकेनिज्म से। स्टॉक एक्सचेंजेस बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बायर एंड सेलर के लिए, सेबी करता है खाली मॉनिटरिंग। ठीक है, एंड ऑप्शन वैल्यू इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द ऑप्शन। ठीक है, कॉल और पुट ऑप्शन पे अलग भी हो सकता है इम्पैक्ट सेम चीज़ का और ये सेम भी हो सकता है। ऑप्शन प्रीमियम इज द सम ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जो कि हमने आगे डिस्कस किया। ठीक है, एज लॉन्ग एज ऑप्शन इज नॉट एक्सपायर्ड देयर विल बी सम टाइम वैल्यू, मतलब कि जब तक चिप्स की पैकेट बंद है तब तक उसमें हवा है, जैसे ही चिप्स की पैकेट खुली और हवा खत्म, वो हो गया, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कब बचेगा, जिस दिन एक्सपायरी हो जाएगी उस दिन इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। टाइम वैल्यू डिपेंड करता है कितना टाइम बचा हुआ है एक्सपायरी में। सो ऑप्शन की प्राइसिंग किस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये 5 फैक्टर्स हैं। प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, मतलब अभी एसेट जो जिस एसेट पर ट्रेड हो रहा है, जिस एसेट के ऑप्शंस का बात हो रहा है उसका क्या प्राइस चल रहा है, ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस क्या है, ठीक है, वॉलेटिलिटी कितनी है उस एसेट में और एक्सपायरी में अभी टाइम कितना बचा हुआ है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का फैक्टर रहेगा, क्यों, क्योंकि पैसे ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, नाउ प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए जो भी मान लीजिए ऑप्शन आप लेते हैं, आप एक व्यू के संग लेते हैं कि मान लीजिए आपने 45,000 का गोल्ड का कॉल ऑप्शन ले लिया, तो आपका व्यू क्या है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, राइट। तो मान लीजिए गोल्ड का प्राइस आज 45,000 है, आपकी एक्सपायरी जून की है, कल 44,000 हो गया तो आपका कॉल का वैल्यू गिर जाएगा, कल 46,000 हो गया तो आपका कॉल का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कि प्राइस जैसे चेंज होता है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन का प्राइसिंग भी चेंज होते जाता है। स्ट्राइक प्राइस अब स्ट्राइक प्राइस एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 45,000 गोल्ड का जो हमने कहा, अगर आपने 50,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया तो आज उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं है, टाइम वैल्यू है। जून में अगर एक्सपायरी तो टाइम वैल्यू आपके पास है, रिगार्डलेस कि ऑप्शन का प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। जैसे जैसे टाइम वैल्यू डिके होगा उसका प्राइसिंग डिके होते जाएगा, अनलेस आप क्लियर दिखे कि आप 50,000 के ऊपर जाने वाले हैं गोल्ड में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका प्रीमियम धीरे धीरे डिक्लाइन करते जाएगा। और जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस दूर है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होगी, टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिके करते जाएगा। वही चीज़ है वॉलेटिलिटी, मार्केट में जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम हाई रहेगा, ठीक है। हायर वॉलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लोअर वॉलेटिलिटी लोअर प्रीमियम। कॉल पुट ऑप्शन दोनों में सेम लॉजिक चलता है, फॉर द सिंपल रीज़न कि मान लीजिए आपको लगता है कि गोल्ड हिल नहीं रहा है, तब 45,000 कॉल ऑप्शन का भी प्राइस बहुत कम होगा, बट आपको लग रहा है कि डेली गोल्ड 1,000 रुपये ऊपर नीचे जा रहा है, तो 45,000 कॉल और पुट ऑप्शन दोनों का वैल्यू हाई होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वॉलेटिलिटी प्रीमियम हो गई। टाइम टू एक्सपायरी, अब मैंने जैसे बताया जून एक्सपायरी है, अगर 50,000 का भी कॉल ऑप्शन लिया है ना आपने, अगर 48,000 गोल्ड आज चल रहा है तो कुछ टाइम वैल्यू रहेगी उसमें, बट अगर आप अप्रैल एक्सपायरी का ले लीजिए 50,000 का कॉल ऑप्शन, बहुत कम प्रीमियम उसका दिख रहा होगा आपको। क्यों? 7-8 दिन ट्रेडिंग का बचा है, 7-8 दिन में कितना एक्स्ट्रा चला जाएगा, राइट। इसलिए जितना टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा, जितना टाइम वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम कम होते जाएगा। इंटरेस्ट रेट, देखिए इंटरेस्ट रेट कैसा होता है कि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका टाइम वैल्यू कम ज़्यादा रहेगा उतना आपका पुट ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। फॉर द सिंपल लॉजिक कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ में कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, कॉस्ट ऑफ कैरी हमने चैप्टर 2 में पढ़ाया था। तो जितना ज़्यादा फ्यूचर में प्राइस आपका, कोई भी एसेट रखने का कॉस्ट लगता है, तो वो एसेट आपने रखा है उसका इंटरेस्ट आपको लग रहा है, तो उसका एसेट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना ही है। पुट ऑप्शन में आपका क्या रहता है लॉजिक कि उसका प्रीमियम कम होते जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसेट की वैल्यू तो बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो पुट का वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि पुट डाउनसाइड को प्ले करता है, कॉल अपसाइड को प्ले करता है। तो इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता है कॉल का वैल्यू बढ़ता है, पुट का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, देखिए 2 मॉडल सबसे पॉपुलर है, बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल, ब्लैक-शोल्स मॉडल। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल 1978 में डेवलप हुआ था। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल और इंट्यूटिव पॉपुलर अप्रोच है प्राइसिंग का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में मैनुअली कंप्यूट करना सीए के एग्ज़ाम में भी पॉसिबल नहीं होता है। एनआईएसएम में 2 नंबर के लिए तो आप क्या करेंगे, सीए में 16 नंबर सम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं ब्लैक-शोल्स मॉडल को या बाइनोमियल मॉडल को। 2 नंबर के लिए अगर सम्स अगर आ गया तो अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है। बाइनोमियल मॉडल का एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या हुआ था। अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन एसेट्स इक्वली स्पेस टाइम स्टेप्स रहता है इसमें, और कुछ एजम्पशन रहता है हर हर स्टेप के लिए कुछ कुछ एजम्पशंस हैं, और जो प्राइसिंग मूव करेगा वो फिक्स रेट में मूव करेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कुछ भी रहे बस रेट फिक्स रहना चाहिए, तो बाइनोमियल मॉडल। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में प्राइसिंग मॉडल, वेदर इट इज़ इक्विटी और कमोडिटी, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग मॉडल अच्छा चलता है। ब्लैक-शोल्स मॉडल 1973 में बनाया गया था फिशर ब्लैक के द्वारा एंड माननीय मायरन स्कोल्स, इसीलिए ब्लैक एंड स्कोल्स बोला जाता है इसको। इसमें सारे फैक्टर्स जितने हो सकते हैं सबको ये कैलकुलेट करता है, और ये 5 चीज़ें से डिटरमाइन करता है, अंडरलाइंग प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ब्लैक-शोल्स 76 के नाम से आपको एक्सेल वगैरह भी मिल जाएंगे जिसपे आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक-शोल्स 70 का फॉर्मूला क्या, कॉल ऑप्शन का प्राइस निकालने का E⁻R&T, पावर माइनस R&T मतलब होता है 1/e⁻1/RT, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, R है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, और टाइम क्या है, टाइम टिल एक्सपायरी, ठीक है। इनटू F इनटू N, F क्या हो गया, अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, एन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। D1 क्या हो गया, D1 यहां पे F बाई के ये लोग बता रहे हैं, ठीक है। F बाई F क्या है, फ्यूचर का प्राइस, और K क्या है, स्ट्राइक प्राइस। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहा है ये, राइट। तो इसको आप कंप्यूट कैसे करेंगे एग्जाम में, तो मेरे को डाउट है कि इस सम्स पे कोई एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बट अगर आया भी सम्स तो इसको स्किप करना ही बेटर है। ऑप्शन गीक्स क्या क्या होते हैं, देखिए ऑप्शन गीक्स बेसिकली आपको रिलेट करते हैं कि ऑप्शन की प्राइजिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन गीक्स क्या करते हैं बेसिकली, ऑप्शन गीक्स मेजर करते हैं आपका चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या करता है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन अंडरलाइन प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपका ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है अभी 100 रुपया और आपका अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ गया 200 रुपये, तो ऑप्शन का वैल्यू मान लीजिए 150 हो गया, तो प्रीमियम कितना चेंज हुआ, 50 रुपये चेंज हुआ, 200 रुपये चेंज होने के कारण। तो और प्राइस कितना चेंज हुआ, 200 रुपये चेंज हुआ, तो डेल्टा क्या आएगा, 0.25, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाई चेंज इन अंडरलाइंग एसेट, ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा, डेल्टा वगैरह कंप्यूट करने बोल सकते हैं। गामा, चेंज इन ऑप्शन डेल्टा मतलब 0.25 जो हमने निकाला अभी, ठीक है, बाई चेंज इन यूनिट प्राइस, ये हो गया गामा। थीटा क्या हो गया, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाई चेंज इन टाइम ऑफ एक्सपायरी। मान लीजिए ऑप्शन प्रीमियम है 100 रुपया, एक्सपायरी को दिन बचे हुए 10, कल सुबह हो जाएगा एक्सपायरी, बाकी सब चीज़ें सेम है, कल हो जाएगा 9 दिन बाकी एक्सपायरी में, और ऑप्शन का प्रीमियम 100 से हो गया है 90, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ, 10 रुपये चेंज हुआ, एक दिन चेंज होने के कारण 10 रुपया ऑप्शन प्रीमियम गिर गया, ये होता है थीटा। वेगा, वेगा क्या हो गया, चेंज इन वॉलेटिलिटी। मान लीजिए कि ऑप्शन प्रीमियम, आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, एवरेज वॉलेटिलिटी चल रही है 1%, ठीक है। 1% वॉलेटिलिटी चेंज के कारण कितना प्रीमियम में चेंज आ रहा है, अब 1% से वॉलेटिलिटी रिड्यूस होकर 0.5% मान लीजिए हो गया, तो ऑप्शन प्रीमियम कितना कम या बढ़ जाएगा, तो वो हो गया आपका वेगा। रो, रो क्या होता है बेसिकली, ऑप्शन प्रीमियम चेंज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फंडिंग। बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है, इसीलिए आर से डिटरमाइन किया जा रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपका कितना आपका प्राइस आएगा। अब मनीनेस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग तब से डिस्कस यही कर रहे हैं कि दो ही चीज़ होती है। चिप्स का पैकेट ध्यान रखिएगा, चिप्स इज इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अंदर का जो हवा होता है दैट इज टाइम वैल्यू। Intrinsic value of an option price is the difference between the strike price and the underlying commodity future price, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इंट्रेंसिक वैल्यू अभी चल रहा है 100 रुपया, तो कमोडिटी स्ट्राइक प्राइस और कमोडिटी का फ्यूचर प्राइस के बीच में 100 रुपये का डिफरेंस होगा, तभी उसका वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। अब हमने 5 फंडामेंटल डिस्कस किए थे कि किसके कारण ऑप्शन प्राइस होता है, एक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारे फैक्टर्स देखिए आपसे सम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक बार देखिए, इफ एन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ऑफ इतना 1170 एट करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फ्यूचर इज 1270 एंड द ऑप्शन प्रीमियम इज 200, द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज। प्रीमियम 200 रुपया दिखा रहा है यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इक्वल टू 200 रुपीज़, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, करंट मार्केट प्राइस कितना है 1280 माइनस स्ट्राइक प्राइस 1170, यानी कि 110 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो टाइम वैल्यू कितनी दिख रही है, टाइम वैल्यू यहाँ पे आपको 90 रुपये दिख रही है। देख के समझ में आ रहा है कि ये पुट ऑप्शन है, सॉरी कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटेशन पूछ सकता है, इट इज़ क्वाइट सिंपल, तो ये आप कर सकते हैं। मनीनेस is an indicator whether an option would make money if exercised immediately. तो मतलब अगर आप आज एक्सरसाइज करेंगे तो whether it will earn you money or not। तो स्टेटस अगर इन द मनी है मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। पुट में कब होगा मनीनेस, जब आपका मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी है तो मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस दोनों सिमिलर है। आउट ऑफ द मनी है मतलब कि मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन केस में, और पुट ऑप्शन केस में मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। As per SEBI regulations, exercise on option where in the money or at the money is done on the following basis: in the money option automatically exercised unless the buyer gives instruction of not exercising during the time window. ठीक है, at the money option options are not exercised unless buyer gives an instruction to exercise at the time window when exercise option can be intimated. At the time of options for this rule, option contract whose strike price are nearest to the underlying expiry and two contracts of the strike price above and below। मैंने क्या बताया था आपको कि नियर द मनी का कंसेप्ट है। तो मान लीजिए जो भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट है टू द अंडरलाइंग वैल्यू, उसके दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर और दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, 5 स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी ऑप्शन बोला जाएगा। ठीक है, इनको आप इनको ऑप्शन रहेगा टू डिवॉल्व इन टू कॉमोडिटी फ्यूचर्स, वेर एज इन द मनी वाले को तो बाय डिफॉल्ट कर दिया जाएगा, आउट ऑफ द मनी वाले तो लैप्स हो जाएंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी, सो प्राइस ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी डिटरमाइंस द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एनी राइज इन करंट मार्केट प्राइस विल पुश द प्रीमियम अपवर्ड फॉर द कॉल ऑप्शन एंड फॉल इन द करंट मार्केट विल पुश द प्रीमियम डाउनवर्ड्स। ठीक है, पुट कॉल पैरिटी, पुट कॉल पैरिटी बेसिकली एक थ्योरी है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ही पर्टिकुलर मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए कि 45,000 का ही गोल्ड का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस 40,000 पे एक्सपायर हो या 50,000 पे एक्सपायर हो, कॉल और पुट के प्राइजेज में एक पैरिटी होनी चाहिए। वही चीज़ ये थ्योरी से बोलता है। अब इसमें एग्जांपल जो है वो समझ लेते हैं, ये सम्स इसके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 300 होगी, मान लीजिए कॉपर के प्राइस है, पुट 250 एक्सरसाइज प्राइस का पुट जो है वो ₹4 में चल रहा है। ठीक है, और 3 महीने की एक्सपायरी पीरियड है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 6%। अब आपको निकालने बोला गया है 250 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, C - P, मतलब कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम माइनस पुट ऑप्शन का प्रीमियम इक्वल टू S यानी कि करेंट प्राइस, ठीक है, माइनस K यानी कि स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई 1 + RT। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम माइनस पुट ऑप्शन का प्रीमियम, पुट ऑप्शन का प्रीमियम 4 था, S आपका 300 था, मतलब कि आपका एक्चुअल मार्केट प्राइस, 250 रुपीज़ आपका स्ट्राइक प्राइस था, 1 + RT। अब R में क्या था, 0.6%, वहाँ परसेंटेज दिया हुआ था, और इंटू 0.25 यानी कि 3 महीने का पीरियड था तो 1/4 ऑफ ए ईयर होता है, वही चीज़ यहाँ निकाला गया। 250 को इससे डिवाइड किया गया। अच्छा, एग्जाम में ना एक्सेल यूज़ करने दिया जाएगा तो एक्सेल पे ये कंप्यूटेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, 300 माइनस 246.3 यानी 53.7, ये 4 इधर आया ऐड हुआ 57.7, ये हो गया कॉल ऑप्शन का आपका प्राइस। ठीक है, ऑप्शन ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी ऑप्शन इन इंडिया आर डिवॉल्व इनटू कमोडिटी फ्यूचर्स। जो मैं आपको तब से बता रहा था कि इंडिया में कमोडिटी ऑप्शंस कमोडिटी फ्यूचर्स में डिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बायर ऑफ ए कमोडिटी ऑप्शन विल गेट ए राइट टू हैव ए पोजिशन ऑन अंडरलाइंग कमोडिटी फ्यूचर रेदर देन गेटिंग राइट टू आउटलेटली बाई और सेल कमोडिटी ऑन एक्सपायरी। मतलब आप डायरेक्टली कमोडिटी का बाई सेल नहीं करेंगे, आप कमोडिटी फ्यूचर पे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर वहाँ से आपको अपना एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है कमोडिटी फ्यूचर में आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पोजिशन सेल डिवॉल्व इंटू अंडरलाइंग फ्यूचर पोजिशन एज लॉन्ग कॉल ऑप्शन सेल डिवॉल्व इनटू लॉन्ग पोजिशन ऑफ अंडरलाइंग फ्यूचर। डिवॉल्व लेकिन सारे ऑप्शंस करेंगे नहीं, एट द मनी वाले करेंगे। एट द मनी का डेफिनेशन हमने क्या बताया, एग्जैक्ट जो नियरेस्ट टू द स्पॉट प्राइस होगा, और 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे। लॉन्ग पुट ऑप्शन सेल डिवॉल्व इनटू ए शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस पर आ सकता है, एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है। शॉर्ट कॉल ऑप्शन विल डिवॉल्व इनटू शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट पुट ऑप्शन विल डिवॉल्व इनटू ए लॉन्ग पोजीशन। मतलब जैसा आपका व्यू था जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया बियरिश व्यू या बुलिश व्यू, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर में पोजीशन बन जाएगा। एक्सरसाइज मैकेनिज्म, डेली सेटलमेंट प्राइस ली जाएगी और एट द मनी ऑप्शन जो कि हमने बताया 2 ऊपर और 2 नीचे एंड करंट एट द मनी, 5 वाले सीधा आपका डिवॉल्व के लिए एक्सरसाइज ऑप्शन आपको दे दी जाएगी और इन द मनी वाले तो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लोज टू द मनी का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली क्लोज टू द मनी यही हुआ, एट द मनी +2 प्लस और -2। ठीक है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 2 स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, 2 ऑप्शन सीरीज हैविंग स्ट्राइक प्राइसेस जस्ट अबव द डेली सेटलमेंट प्राइस एंड इमीडिएटली 2 स्ट्राइक प्राइसेस बिलो द डेली सेटलमेंट प्राइस, ये सब क्लोज द मनी हुए, इनको दिया गया एक्सरसाइज करने का ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट है, ये 4 लाइन जो है ध्यान रखिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब चैप्टर 4 बहुत जल्दी आ जाएगा।